दोस्तों पोको एक्स थ्री के फ्रंट कैमरा से रिलेटेड सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और उस वीडियो पर अब तक 20,000 व्यूज़ आ चुके हैं। काफ़ी लोगों का उससे ठीक हुआ है, ज़्यादातर लोगों का उससे ठीक नहीं हुआ है। सबसे पहले तो वो वीडियो आपको जाकर देख लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। उसके बाद ठीक नहीं हो तो आपको ये ट्राई करना, और ध्यान रहे इस वीडियो को पूरा देखना है और जैसे मैं कहूँ वैसे करना है। फिर आप बोलते हो सोल्यूशन नहीं मिला, एक से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, सबको साथ आना पड़ेगा। और जिस प्रकार मैं इसमें आपको दिखाता हूँ पोको के खिलाफ अगेंस्ट किस प्रकार से आपको ऑनलाइन कंप्लेन करनी है, आपको इस वीडियो को स्टेप बाई देख कर उस प्रकार कंप्लेंट करना होगा। हम सभी साथ चलेंगे तभी हमारा जो सोल्यूशन सॉल्व हो पाएगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, आगे मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार आपको पोको के अगेंस्ट ऑनलाइन कंप्लेंट करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना होगा NCH, ठीक है। NCH सर्च करते ही नीचे आ जाएगा NCH कंप्लेंट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। कौन सी साइट पे क्लिक करना है मैं आपको बता देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करना है और ये वाली साइट है ना, इस पर आपको जो क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना एक बार। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक कर दिया। ये देखिए ऐसे आ जाएगा आपके सामने। आप है जो ये नंबर दिख रहे हैं ना, इन तीन नंबर दिख रहे हैं ऊपर में फर्स्ट और लगा के सेकंड और नीचे 1915, या तो आप इन पे कॉल करके जो अपनी शिकायत है वो दर्ज यहाँ पर करवा सकते हैं, ठीक है। क्या क्या आपके साथ हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, कैसे आपका फ़ोन ख़राब हुआ, कंपनी आपकी बात नहीं सुन रही है, कोई सपोर्ट नहीं है, वो आपसे कितने पैसे मांग रहे हैं मदरबोर्ड चेंज करने के, और जो कोई सेंटर जाके आया ना सर्विस सेंटर उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, उसके पास जॉब सीट और चार्ज सीट दोनों है। तो आपको क्या करना है, जो सेंटर जाके आया ना तो आपको मैनुअली, यदि आप मैनुअली शिकायत करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऊपर देखिए यूजर लॉगिन का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। थोड़ा ये साइट स्लो चलती है लेकिन आपको मैनेज कर लेना है, ठीक है। तो यूजर लॉगिन पे हम जैसे क्लिक करेंगे, देखिए हो सकता है ये साइट थोड़ा लेट खुले क्योंकि ये थोड़ी ये जो सर्वर ऐसा ही चलता है इसका। अब आपको यहाँ आने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉगिन तभी करना है जब आपका अकाउंट बना हुआ हो। यदि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है, मेरा यहाँ पर पहले से अकाउंट बना हुआ है क्योंकि मैं इसको यूज में लेता रहता हूँ, कोई भी कभी मेरे साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आपको नीचे दिख रहा होगा एक साइनअप का बटन दिख रहा, ये रहा, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली अपना नेम वगैरह है जो डाल के जेंडर सेलेक्ट करना है, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, फिर आपका धर्म और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और कैप्चा सेलेक्ट करके साइनअप बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सिंपली रजिस्ट्रेशन इजीली हो जाता है। फिर आपके पास जीमेल और मोबाइल नंबर दोनों पे OTP आएंगे, दोनों वेरीफाई कर लेना है आपको और ये आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, एक अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो ये साइनअप प्रोसेस आप कर सकते हैं, इतने समझदार हैं, अभी वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो फिर से आपको वापस बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए साइन इन पर क्लिक करना है आपको। जैसे देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मेरा यहाँ पर पासवर्ड वगैरह सब सेव है तो मैं इस पर कंटिन्यू कर देता हूँ। कैप्चा आपको नीचे दिख रहा है, ये आपको फिल कर देना है, 6283, ठीक है, ये हो गया। सिंपली साइन इन पर क्लिक, साइन इन हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया तो आपको एग्री कर देना, नीचे आपको एग्री का बटन दिखेगा, आई एग्री, और आपको कंज्यूमर ग्रेवेंस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो कंज्यूमर ग्रेवेंस आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या क्या यहाँ पर करना है, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले ग्रेवेंस को ऊपर ग्रेवेंस सेलेक्ट करना है टाइप में, फिर स्टेट में आपको अपना स्टेट, फिर परचेज सिटी, आपने कौन सी सिटी में इसको मंगवाया, अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू या कहाँ से परचेज किया, इंडस्ट्री में आपको ये बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ मिलेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर कैटेगरी में आपको आके यहाँ पर मोबाइल एंड हेडसेट को सिलेक्ट करना है, फिर कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम यहाँ पोको है नहीं तो यहाँ पर शिओमी को आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपने डिवाइस का नाम पोको X3 X2, यह आपने कब परचेस किया था उसकी डेट, यदि आपका डिवाइस वारंटी में है तो यस, अदरवाइज नो सेलेक्ट करना है, फिर आपने कितना इसका अमाउंट पेड किया था, फिर आपको EMI नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देखिए EMI नंबर कैसे मिलेगा आपको, आपको अपने फ़ोन का डायल पैड ओपन करना है। यहाँ पर डायल पैड ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको *06## सेलेक्ट करना है और आपके जो EMI नंबर सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक EMI नंबर है जो ले लेना है, कॉपी कर लेता हूँ मैं भी, तो यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी, फिर यहाँ पर आके यहाँ पर आपको EMI नंबर अपना है जो
पेस्ट कर देना है। फिर नीचे आपको यदि सर्विस टैग नंबर आप सर्विस सेंटर गए हैं तो सर्विस सेंटर का एड्रेस और जॉब सीट का नंबर वगैरह यहाँ पे करना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आपको नेचर ऑफ ग्राइवेंस में आपको क्या करना है, कौन सी किसके अंतर्गत है आपकी, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। देखिए बहुत सारी है, तो यहाँ पर आपको करना है कारी ओवर चार्जिंग नहीं करना है, नॉन डिलीवरी ऑफ डिले इन कंट्री ऑफ ओरिजन आफ्टर सेल सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप प्रोडक्ट वैल्यू में आपकी कितने की है, मोबाइल नंबर मोबाइल है जो 10,000 से 1,00,000 के बीच का है। फिर आपने ऑनलाइन यहाँ पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट लिख देना है यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर पूरी डिटेल देनी है, डिटेल यानी कि आप कैसे ये इशू आया, किससे किससे आपने कांटेक्ट किया, यदि आप सर्विस सेंटर गए हैं तो उन्होंने कितने पैसे मांगे, क्या बोला, सब यहाँ पर भरना है, और कितने लोगों को ये समस्या आ रही है, सारी बात यहाँ पर आपको निचोड़ के बता देना है। आप इंग्लिश में या चाहे तो हिंदी में बता सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये बताने के बाद यदि आप सेंटर गए हैं तो जॉब सीट चार्ज शीट अपलोड करनी है यहाँ पर, तो मैं ये डिटेल भर लेता हूँ, फिर सबमिट करेंगे। तो दोस्तों मैंने सारी डिटेल है जो वो फिल कर ली है सब मैंडेटरी, मेरे पास जॉब सीट चार्ज शीट नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर इतनी फिल कर रहा हूँ, और ये फिल करने के बाद सिंपली सबमिट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आपके सामने कंप्लेंट है जो सबमिट हो जाएगी, तो थोड़ा लोडिंग देख दी। वेल डन, योर ग्रेवेंस हैज बीन सक्सेसफुली लॉग्ड एंड योर डॉकेट नंबर, यह आपका डॉकेट नंबर है जो आपको मैसेज पे अपने नंबर पे ईमेल पे और यहाँ पर शो कर जाएगा। अब यहाँ पर आपको है जो ये दिखता रहेगा, तो यहाँ पर इस डॉकेट नंबर को यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, कर लिया कॉपी। अब ये जैसे यहाँ पर स्टेटस अपडेट होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टेटस जाने के लिए आपको क्या करना है, जो आपके पास टेक्स्ट मैसेज आया उस पर जाना है, ये रहा, और यहाँ पर देखिए स्टेटस, इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना डॉकेट नंबर और यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के सर्च कर लेना, आपको यहाँ पर स्टेटस टाइम टू टाइम बताता रहेगा, ठीक है। इसके कुछ दिन बाद आपको MI या पोको के हेडक्वार्टर से फ़ोन आ सकता है, तो आपको अपना इशू उनको बता देना है और बता देना है, वो कहेंगे कि आपको ही केवल ये इशू आ रहा है, तो आपको बता देना है कितने लोगों को इशू आ रहा है। प्रूफ के तौर पर आप वो हमारा पहले वाला वीडियो भी दिखा सकते हैं, और इससे आगे जो भी अपडेट होगा हम चैनल पर दे देंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।